हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक 5G स्मार्टफोन के बारे में, और वो फोन होने वाला है सैमसंग का। तो सैमसंग ने एक और 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A90 5G आज कोरिया में लॉन्च कर दिया है। ये पहला बजट अनुकूल ए सीरीज 5G स्मार्टफोन है। हालांकि A90 5G ब्रांड का पहला 5G स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी Note 10 Plus 5G को भी हाल ही में गैलेक्सी Note 10 लाइनअप के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। सैमसंग गैलेक्सी A90 5G की कीमत कोरिया में 1899900 लगभग 53,400 रुपये रखी गई है। ये दक्षिण कोरिया में अब सेल के लिए उपलब्ध है। ये दो कलर वेरिएंट में उतारा है, ब्लैक और वाइट कलर्स, जो बहुत ही ग्रेडेंस लुक के साथ में आएंगे। गैलेक्सी A90 5G 2 वेरिएंट में आएगा 6GB रैम और 8GB रैम। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A90 5G के स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो नए लॉन्च किए गए सैमसंग गैलेक्सी A90 5G में फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। ये एक इन्फिनिटी डिस्प्ले को सपोर्ट करता है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन फेस अनलॉक फीचर्स के लिए डिस्प्ले नॉच के अंदर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं इसके रियर कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। रियर कैमरा सेटअप सुपर स्टेडी सीन ऑप्टिमाइजर और फ्लो डिटेक्टर जैसी सुविधाओं से लैस होगा। फ्रंट की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 SoC देखने को मिलेगा। बात करें इसके रैम की तो इसमें 6GB रैम और 8GB रैम देखने को मिलेगी। दोनों में ही 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें फ़ोन को पावर देने के लिए 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 25W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगी। स्मार्टफोन सैमसंग के One UI के साथ एंड्रॉयड 9 पाइप पर देखने को मिलेगा। वहीं इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 5G और 4G को सपोर्ट करता है। वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, GPS, ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। इसके फीचर्स जबरदस्त फीचर्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसकी कोई अभी तक लीक्स या कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में 5G लॉन्च नहीं हुआ है। जब इंडिया में 5G लॉन्च होगा तो हो सकता है कि ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ यार, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन, फुल जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय।